सो वॉट इज अप गाइज, हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ विक्रम मलिक एंड वेलकम टू द एडिटर हब। तो आज का वीडियो ना थोड़ा सा यूट्यूब रिलेटेड सा होने वाला है, और क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना भी होगा एक माइक के बारे में जिसका नाम है बोया BY-M1। ये माइक एक्चुअली यूट्यूबर्स के बीच में बहुत फेमस है, ऐसा बहुत से लोग इसको सजेस्ट करते हैं, यूज़ भी करते हैं। अभी जो आप वीडियो सुन रहे हैं, जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, वो भी बोया के माइक से ही है। और आज का वीडियो थोड़ा सा और भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि बोया का माइक यूज़ करते हो, कौन सा माइक यूज़ करते हो, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने अभी रिसेंटली बाई करा है ये, तो आप भी ख़रीद सकते हो अगर आप यूट्यूबर हो। लेकिन उससे पहले वीडियो देख लो, शायद आपके काम आ जाए, क्योंकि इसमें मैं आप जो भी पूरी वीडियो सुनोगे उसको मैं बिल्कुल ऑडियो को कोई भी एडिट नहीं करूँगा। ये अभी अमेज़ोन पे 700-800 के बीच में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइज़, ये बॉक्स है जो आपको साथ में मिलने वाला है। आप जब बाय करोगे तो ये आपको मिलेगा बोया BY-M1। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें एक पाउच मिलेगा। ये ऐसा एक पाउच है, और इसके साथ में इसमें कुछ किताबें हैं। ये किताबें कभी यूज़ शायद ना हो, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो इसको भी रख देते हैं। और इसके साथ में कुछ और भी है, ये क्या है देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, एक वारंटी कार्ड है। इसको आप देखिए, वारंटी कार्ड है ये जो इसके साथ में आपको मिलने वाला है, और कुछ इसमें नहीं है। तो अभी ये पाउच में क्या है ये हम ओपन करके देख लेते हैं। इनको हटा देते हैं साइड में। तो पाउच ओपन करेंगे तो ये इसके साथ में इसकी क्लिप और कुछ अडेप्टर वगैरह हैं। ये सेफ्टी के लिए है, इसको फेंक दो, बच्चों से दूर रखना इसको। तो आप देखोगे ये एक माइक है और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो माइक को जैसे आप देखोगे कि इसकी वायर बहुत लंबी है, तो इसको जोड़ा हुआ है। और ये आप देखोगे आपका माइक है। यहाँ से आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही इस पाउच में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो पाउच में आपको एक क्लिप मिल जाता है, जो कि आप अपने कॉलर पे या जहाँ पे भी आपको लगाना है आप इसको लगा सकते हो। और उसके बाद में इसके साथ आता है ये, जो कि आपकी एक्स्ट्रा नॉइस को रिड्यूस करता है, वो आपको हेल्प करता है। और साथ में एक अडेप्टर है जो आप अपने DSLR के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो उसको। और ये एक सेल है जो कि आपको आपके माइक के लिए मिलने वाला है, बैटरी इसको बोलते हैं। तो वो कहाँ पे लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे इस पर फीचर है कैमरा और स्मार्टफोन। तो आप अगर फ़ोन के लिए कर रहे हो तो आप नीचे रखो इसको, नहीं तो ऊपर कैमरे के लिए ऊपर कर सकते हो। और यहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो ये जगह है जहाँ पे आपको सेल डालना है। सेल डाल के यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बैटरी जहाँ तक की बात करें तो बैटरी शायद इसकी बताया जा रहा है कि 6 से 8 महीने तक चलती है, वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, और इसकी वायर देखिए आप बहुत लंबी है, तो शायद आपके यूज़ के लिए है, अच्छे खासा आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, इस टाइम पे ना मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर मैं आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने अपना माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं करा है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो कैसी आवाज़ अभी आ रही है। और अभी मैं एक सेकंड मैं अपना माइक कनेक्ट कर लेता हूँ, तो शायद उससे आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मैं माइक अभी कनेक्ट कर देता हूँ। हेलो गाइज, तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको ज़रूर पता चलेगा कि कितना साउंड में डिफरेंस आ रहा है। हालांकि बहुत ट्रैफिक है तो शायद आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, बट कहीं ना कहीं आप बैकग्राउंड नॉइज़ को देख सकते हो कितना रिमूव हुआ है या कितना कम हो रहा है। तो गाइज, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, अभी आउटडोर पर हमने वीडियो बनाया है, तो आउटडोर पर आपने देख लिया हुआ ऑडियो में कितना चेंज आया है या नहीं आया है, और कितना बैकग्राउंड
नॉइज जो थी वो रिमूव हुई है या नहीं हुई है वो आप लोग जज करिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने कोई भी ऑडियो एडिटिंग नहीं करी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।